नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में जहां कुछ स्थानों पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं सरकार के इस एक्ट के समर्थन में भी संगठन सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने नागरिकता संशोधन एक्ट के समर्थन में मंडी में एक रैली निकाली। इसके साथ ही मंडी शहर के चौहटा बाजार में एक्ट के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया और इस एक्ट का विरोध करने वालों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर आरएसएस से जुड़े सभी संगठनों ने रैली व प्रदर्शन में भाग लिया। इसके साथ ही संगठनों ने केंद्र सरकार को यह भी आश्वासन दिया कि वह सरकार के समर्थन में खड़े हैं। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि संगठन एक्ट के समर्थन में सरकार के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस एक्ट से देश में रहने वालों को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट उन लोगों को नागरिकता देने के बारे में है जो लोग भारत में रह रहे हैं और उनके पास नागरिकता नहीं है। ऐसे में जिनके पास नागरिकता है उन्हें इस एक्ट का विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध करने वालों को भी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों के आगे सरकार को घबराने की जरूरत नहीं है, वो इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने मांग उठाई है कि जो संगठन राम के होने का प्रमाण पत्र मांग रहे थे उन्हें अपना प्रमाण देने में क्या दिक्कत है। इस समर्थन रैली व धरने प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, आरएसएस से जुड़े सभी धार्मिक व सामाजिक संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व देश में नागरिकता संशोधन एक्ट का पुरजोर समर्थन किया है। भाई तकलीफ उनको होनी चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान में अवैध तौर पे शरण ली हुई है, उनको तकलीफ होनी चाहिए। ये बिल उन मुस्लिम भाइयों के खिलाफ है, उन शरणार्थियों के खिलाफ है जो अवैध तौर पे यहाँ रह रहे हैं, जो रोहिंग्या रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी शरणार्थी अवैध तौर पे रह रहे हैं, जो 72 से पहले के मुसलमान भाई रह रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगना ही पड़ेगा तो आप दे दो। अरे यार, आप तो प्रभु राम का प्रमाण पत्र जन्म तो मांगने से शर्म नहीं करते हो, अब अपना प्रमाण पत्र देने की, अपनी ये सारी बातें, जन्म तिथि बताने की, अपने माता पिता के बारे में बताने की बात आ रही है तो तकलीफ हो रही है। आप लोगों ने राम मंदिर के समय में तो ये भी बोल दिया था राम सेतु नहीं है, राम भगवान काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है। अरे ये सब चीजें काल्पनिक है तो तुम क्या, तुम वास्तविक हो? तुम भी अपना साबित करो भी, तुम कैसे वास्तविक हो? इसका विरोध करना बिल्कुल नाजायज है। मैं इसका खंडन करता हूं, जो इसका विरोध कर रहे हैं मैं उनका विरोध करता हूं और मैं यह पुरजोर मांग करता हूं सरकार से कि इसको वापस लेने की, इसको कहीं से भी टस से मस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सरकार के साथ में हैं, हम भाजपा सरकार ने जो हिंदुस्तानियों को, शरणार्थियों को एक सम्मान देने के लिए जो बिल आया है, हम उस विश्व हिंदू परिषद संघ और मंडी के जितने भी हमारे नागरिक धार्मिक और सामाजिक संगठन है सब इस चीज का पुरजोर समर्थन करते हैं और सरकार को ये आश्वासन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।